हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो जब भी आप आगरा में आने के लिए आगरा में सर्च करते हैं प्लेस टू विजिट इन आगरा, तो आपके सामने एक लिस्ट आती होगी जिसमें ताजमहल और लाल किला एंड एतमादउल्लौला और चीनी का रोज़ा। चीनी का रोज़ा और एतमादउल्लौला क्या है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और लाल किला एंड ताजमहल तो हम कवर कर ही चुके हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलो शुरू करते हैं और पहुँचते हैं। आज मैं बाइक पर नहीं जा रहा, आज जा रहा हूँ मैं ऐसी ऑटो के थ्रू जाऊंगा, क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं फिर मज़ा नहीं आता मतलब। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या टिकट रहने वाला है सारी चीज़ें हम आपको इसी वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ साथ देने वाले हैं। एंड हाँ, आज की वीडियो की क्वालिटी बताना किस तरीके की क्वालिटी लग रही है। ये है रामबाग चौराहा, यहाँ इतना सारा जाम लगता है, इसके चक्कर में अपनी बाइक नहीं लेके आया था, और आज यहाँ पर बाइक आज जाम ही नहीं है, ट्रैफिक जाम ही नहीं बिल्कुल भी। एडीए द्वारा लगाया हुआ चीनी का रोज़ा। चलिए जी, अब चलते हैं, आपको दिखा के आते हैं चीनी का रोज़ा। क्या है चीनी का रोज़ा में, नहीं है क्या चीनी का रोज़ा आखिरकार, ये भला है क्या। लेकिन रास्ता देखो काफ़ी खूबसूरत कर रखा है, आसपास पेड़ लगाए हुए हैं, इतना सा रास्ता निकाला हुआ है, अमेजिंग लग रहा है। क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ इसलिए मुझे पसंद है। देखो जी, चीनी का रोज़ा के बारे में जानना है तो ये लिखा हुआ चीनी का रोज़ा क्या है। पॉपुलरली नोन एज चीनी का रोज़ा, ऑनिंग टू इट्स ग्लेज्ड टाइल डेकोरेशन, दिस इज द टर्म ऑफ, ये क्या लिख रहा है, शुक्रानुल्लाह सिराजी या फिर कहें अफजल खान, तो उसका ये मकबरा है जिसे कि चीनी का रोज़ा कहा जाता है। इसके बारे में जानना है तो पढ़ लो वीडियो रोक के। ये है खंडहर सा, जो भी है जैसा भी है, सो फार सो गुड लग रहा है, नहीं लग रहा खंडहर ही हो चुका है क्योंकि लोग देखने नहीं आते इसे, इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री है एंट्री इसकी। देखो जी, सामने रामबाग वाला पुल है और उधर रामबाग पार्क है, एंड ये है कुछ मोन्यूमेंट, एंड अभी हम घूम के ही आए हैं वहाँ से। सो ये है चीनी का रोज़ा, जो कि फ़ोटो में देखोगे तो लगेगा कुछ, लेकिन असलियत में देखोगे तो समझ में आएगा कि ये केवल एक खंडहर बन चुका है आज के समय में, क्योंकि इसकी कोई एंट्री टिकट नहीं है पहली चीज़, और यहाँ पर लोग भी देखने के लिए नहीं आते हैं, तो लोग आएंगे तो एंट्री टिकट बनेगी, एंट्री टिकट होगी तो इसकी मरम्मत हो पाएगी, और उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है तो कोई पागल थोड़ी है कि अपनी जेब से इसमें पैसा खर्च करेगा, इसलिए ये जो है बन चुका है एक चीनी का खंडहर। बाकी गुंबद जो है टूट भी चुकी है कुछ, तो देखो उधर से भी गोला टूट चुका है, इधर भी यही हाल है, पूरे एरिया का यही हाल है। यहाँ पे जो है लोग आराम करने आते हैं, हवा लेने के लिए आते हैं, बाकी और कुछ नहीं है बस। डोंट बिलीव इन गूगल, गूगल पर भरोसा मत कीजिएगा, कभी गूगल पर सोच के आ जाओ यहाँ पर देखने के लिए, मिला कुछ नहीं खंडहर के अलावा इसलिए। तो ये है वो कब्र जिसके लिए ये है चीनी का रोज़ा, उनकी कब्र है, एंड यहाँ शायद मरम्मत चल रही है, लगा रखी है बल्लियाँ तो लगता है कि मरम्मत चल रही है इसकी, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है, और मतलब बिल्कुल कि इतिहास में मुग़ल कालीन में नाम था इसका, इसी वजह से इस गुम्बद को प्रोटेक्ट कर रखा है, बाकी तो अगर इसका प्रोटेक्शन बिल्कुल भी ना हो तो ये खंडहर में तब्दील हो जाए। ऐसा कुछ है भी नहीं कि इसे टूरिस्ट प्लेस कंसिडर किया जाए, तो ये हमारी प्लेसेस टू विजिट वाली लिस्ट से हट जाता है, तो यहाँ पर विजिट करने अगर आपका मन हो तो आ जाइएगा, अगर नहीं मन हो तो मत आइएगा। लेकिन अगर आप आते हैं यहाँ पर और भारी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो इससे क्या होगा, इसकी एंट्री टिकट लगनी शुरू हो जाएगी, और इसकी जो है ये खंडहर वाली जो हालत हो रही है इसकी मरम्मत होनी शुरू हो जाएगी। तो आपका मन है, अगर आप आना चाहें तो ज़रूर आइएगा। तो चीनी के रोज़ा के बाद अब बारी है एतमादउल्लौला की। एतमादउल्लौला ये मेरी आंखों के सामने है, अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। ये है एतमादउल्लौला, ठीक हो, ये है जी टिकट का कुछ हिसाब। ASI की फ़ीस है और 5 रुपये ADA की फ़ीस है, मतलब 25 रुपये पर हेड हो जाएगा, कैश पेमेंट पर 30 रुपये पर हेड है, ऑनलाइन पे इतना है, और ऑफ इफ यू आर अ फॉरनर देन दिस इज योर फीस। ये है पूरा, दिस इज योर फीस। तो ये है टिकट के कुछ हिसाब, 5 रुपये जाते हैं इसके ADA के, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और 25 रुपये जाते हैं ASI को। ASI कौन है, ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंडर में ये जो मोन्यूमेंट्स है सारे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये है हमारे सामने एतमादउल्लौला। चीनी का रोज़ा तो खंडहर है, उसे देखने लायक नहीं है बिल्कुल भी वो, तो
सो इसलिए हम वहाँ गए नहीं और ना ही मैंने वहाँ की वीडियो शूट की। चलो अब एक हाइपरलैप लेते हैं एंड अंदर पहुँचते हैं, दिखाते हैं असली नज़ारा। देता है कुछ मतलब ताजमहल जैसा लुक दे रखा है बिल्कुल। ऊपर से गेट है जो कि अभी खंडर हो चुका है। ये मतलब पीछे से दिखा देता छोटा सा लेकिन सामने आ जाते हैं तो दिखता है ऐसा ताजमहल जैसा बिल्कुल वो दे रखा है ऐसा है लुक। और इसे कहा जाए तो मिनी ताज भी कहा जाता है, आगरा का मिनी ताज भी कहा जाता है। एंड एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है मुझे जो मैं वीडियो क्लास में कहूँगा, लेकिन पहले एक ग्लिम्स ले लो इसका। तो पहले जो है यहाँ पर शायद किसी को रखते होंगे या फिर ये कुछ एरिया होगा इन लोगों का जो कि अभी के टाइम में फ़िलहाल बंद किया हुआ है। एंड ये शायद कुछ कुआं जैसा जा रहा है इधर नीचे जो भी बंद कर रखा है। ये एरिया भी बंद किया हुआ है, ये एरिया भी बंद किया हुआ है जो कि सब पुराने ज़माने का। ये अहमदउद्दौला का मकबरा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ दिख रहा है? शायद कुछ तो है यहाँ पे, निक डाई से कैमरे में दिख गया होगा। ये कुछ नज़ारे हैं। एंड एक पुल ये बना हुआ है, एक पुल वहाँ बना हुआ है। वो वाला पुल किस लिए है? वो वाला पुल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर रामबाग पार्क है और जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ कि वो वर्थ विजिट है या नहीं है। ठीक है, चीनी का रोज़ा तो वर्थ विजिट नहीं है क्योंकि लोग कम जाते हैं तो इस वजह से उसकी देख रेख नहीं हो पा रही और वो अभी के समय में बन चुका है खंडहर। लेकिन वो भी एक मोन्यूमेंट है जो कि अगर हम उस पर जाएंगे देखने के लिए एंड इस तरीके से जैसे मैं अगर इसकी बुराई करने लगूँ, जैसे मैंने मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने उसकी बुराई करके गलती की, तो मुझे जो है बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो रामबाग पार्क की बुराई करके गलती की। इसका इससे कुछ रीजन्स है। देखिए पहली चीज़, अगर मैं इस तरीके से बुराई करूँगा तो हमारे मॉन्यूमेंट है, देश के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, जो विदेशी आ रहे हैं हमारे देश में देखने के लिए वो भी आना बंद कर देंगे अगर हम इस तरीके से बुराई करते रहेंगे। तो हमें विजिट करना चाहिए ताकि जो है टूरिज़्म को बढ़ावा मिले और हमारे मॉन्यूमेंट को देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आएँ और हम भी इवन जाएँ देखने। और एक कहावत तो कही जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है और हमें इसे हटानी चाहिए क्योंकि हमारे देश में काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट है और हमारा देश हमारे कल्चर के लिए ही जाना जाता है, इतिहास के लिए ही जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो हमें जो है विजिट करना चाहिए ऐसी जगहों को और बढ़ावा देना चाहिए। तो मैंने इसके आसपास की जगह को पूरा घूम लिया है, अब ले चलता हूँ मैं आपको इसके अंदर और दिखाता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है। बाकी जो है इसके अंदर की आर्किटेक्चर को मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि मुग़लकालीन आर्किटेक्चर इसलिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा जो बारीकियों से इन्होंने दीवार पे कारीगरी की है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इसीलिए ताजमहल भी फेमस है, इसलिए हमारा ये मॉन्यूमेंट भी आपको विजिट करना चाहिए जो कि है अहमदउद्दौला। आप चलिए इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर जाने के लिए आपके पास इसके अंदर जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको जूते पहन के आप इसके अंदर नहीं जा सकते, जूते उतारने पड़ेंगे। तो कारीगरी शुरू होती है दीवारों से, ये पत्थरों पर बारीक कारीगरी की गई और पहले से सारी कारीगरी की जाती थी ना वो सब हाथ से की जाती थी। ये देखो ये इसके अंदर भी कुछ बनाया हुआ मछली टाइप का, पता नहीं क्या है लेकिन बेहतरीन लग रहा है। ज़बरदस्ती तारीफ करनी पड़ रही है, मजाक से हट के सही है, बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने में जो चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता था ना, इधर से भी रोशनी आ रही है, इधर से भी रोशनी आ रही है एंड इस तरफ से गेट द्वार बनाए हुए हैं तो कह सकते हैं कि सही है। आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये इसके अंदर भी एक कब्र बनाई हुई है, तो ये कब्र किसकी है इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि उनके परिवार की ही इसमें कब्र रखी हुई है अहमदउद्दौला की। इसके बारे में वैसे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिली है, अगर आप टूरिस्ट गाइड लेते हैं तो गाइड भी आपको सस्ता मिलेगा, वो सारी जानकारी दे देगा। ठीक है, ये देखिए कब्र मौजूद है, ये अहमदउद्दौला के परिवार की ही कब्र है। यहाँ पर सारी कब्र उनके परिवार की मौजूद हैं, दो कब्र मैं तीन कब्र मैं अब तक आपको दिखा चुका हूँ और आगे भी कब्र और दिखाता हूँ। और देखिए एक कब्र ये मौजूद है, तो कुल मिलाकर उनके परिवार की ही कब्र यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए एक कब्र ये रही,
एक कब्र बोरी, कुल मिलाकर 5 कब्र मौजूद हैं। ठीक है, और जो सबसे मेन कब्र है वो है ये, मेन कब्र ये है जो कि नूरजा और एतमदुल्ला की है, जिसे कि मेन कॉम्प्लेक्स में लगाया हुआ है। चारों तरफ उनके परिवार की कब्र है और मेन कब्र इन दोनों की है। ठीक है, जिसे कि काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन भी किया गया है। तो देखिए, इसी तरीके से ताजमहल भी है, लेकिन ताजमहल आई डोंट नो वाई इतना फेमस है, लेकिन इसे भी हमें फेमस करना चाहिए क्योंकि ये आगरा का मिनी ताज है। ज़िंदगी में कुछ करूँ ना करूँ, ऐसा तो करना है कि लोग मेरी कब्र पे भी मिलने के लिए मुझसे आएं। तो ये है सामने उसके, इसका एंट्री गेट। और अब दोबारा से एक वीडियो का राउंड अप लेता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ, एंड सारी कब्र जो है मैं काउंट करता हूँ किस किस की, मतलब कितनी कब्र है, कितनी मतलब इसके अंदर इस मकबरे में कितनी कब्र मौजूद है। ठीक है, सबसे पहली ये वाली कब्र है और दूसरी कब्र, तीसरी कब्र। ठीक है, काउंट करते रहना, भूल मत जाना। इसके बाद अगली कब्र है ये वाली, 4 कब्र हो गई अब तक। उसके बाद नेक्स्ट कब्र है ये वाली। ठीक है, 5 हो गई हैं। नेक्स्ट के बाद हैं ये दोनों जो कब्र हैं ये मेन हैं और इन्हीं के लिए ही, इन्हीं के नाम पर ही इस मकबरे का नाम पड़ा हुआ है जो है एतमदुद्दौला मकबरा। ठीक है जी, जान लिया, देख लिया, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, बार बार का कॉम्प्लेक्स भी घूमते हैं। हमने घूम लिया, एक बार आपको और दिखा देते हैं। ये है कुछ नज़ारा। मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। एक्चुअल में जो मेन द्वार जो मानना चाहिए हमें वो द्वार ये वाला मानना चाहिए, क्योंकि इसी के सामने जस्ट मौजूद है कब्र। लेकिन जो मेन द्वार है वाला, वो मेन द्वार उसे कंसिडर किया जाता है जो मेरे सामने है, बल्कि इन दोनों को नहीं, इन तीनों को मतलब नहीं किया जाता है। लेकिन जो कब्र मौजूद है वो इधर से सामने है, तो पहले आएंगे, बाकी लोगों को देखेंगे, उसके बाद हम जो है मेन कब्र देखते हैं जो मैंने आपको दिखा दी है। अगर वीडियो यदि आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को क्या करना है, लाइक करना है एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, हम मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में, या फिर कहें कि किसी और व्लॉग में ही मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।